चलिए जानते हैं रेलवे से जुड़े कुछ प्रश्न जो हमारे मन में उठते हैं। क्या होगा जब रेलवे फाटक के पास एम्बुलेंस आ जाए और रेलवे फाटक बंद हो, तो ऐसे में क्या रेलवे फाटक को खोला जाएगा या नहीं, चलिए जानते हैं। क्रॉसिंग गेटमैन के पास सारा कंट्रोल नहीं होता, इसलिए क्रॉसिंग गेटमैन चाहकर भी रेलवे फाटक को नहीं खोल सकता जब तक कि उसे स्टेशन मास्टर परमिशन ना दे, इसलिए एम्बुलेंस को दूसरे रास्ते से ही जाना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि ट्रेन आने से कितने देर पहले गेट को बंद किया जाता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। रेलवे फाटक पर काम करने वाले को गेटमैन कहा जाता है, जिसका काम गेट बंद और खोलना होता है। जब ट्रेन 4 से 6 किलोमीटर दूर होता है, तभी स्टेशन मास्टर गेटमैन को सिग्नल देके गेट बंद करने के लिए कहता है। जब ट्रेन क्रॉस कर जाती है तो गेटमैन स्विच से गेट को बंद कर देता है।